अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के नादान चौक पर सीनियर सिटीजन काउंसिलिंग के सहयोग से वाटर कूलर स्थापित किया गया। चौक पर राजेशपुरी की दुकान से बाहर स्थापित किए गए वाटर कूलर में शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए वाटर प्यूरीफायर भी लगाया गया। चौक पर वाटर कूलर लगने से जहां आम जनता को लाभ मिलेगा, वहीं अब उन्हें स्वच्छ पानी के लिए पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। हमीरपुर के नादौन चौक पर सीनियर सिटीजन काउंसिल के सहयोग से वाटर कूलर स्थापित किया गया। चौक पर राकेशपुरी की दुकान के बाहर स्थापित किए गए वाटर कूलर में शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए वाटर प्यूरीफायर भी लगाया गया है। चौक पर वाटर कूलर लगने से जहां आम जनता को लाभ मिलेगा, वहीं अब उन्हें स्वच्छ पानी के लिए पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। वाटर कूलर को जनता को समर्पित करने से पूर्व विधिवत पूजा अर्चना की गई और उपस्थित लोगों को मिठाई भी बांटी गई। इस मौके पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा, मुख्य सलाहकार के खन्ना, कोषाध्यक्ष युद्धवीर पठानिया, प्रेस सचिव जसवीर कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि नादौन चौक पर वाटर कूलर के लिए दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के मुख्य सलाहकार के खन्ना ने काउंसिल को पत्र लिखा था, जिसके बाद उन्होंने इसे स्थापित करने का निर्णय लिया। कूलर की देखरेख व बिजली का सारा खर्च राकेशपुरी बहन करेंगे। सीनियर सिटीजन काउंसिल के प्रधान ने कहा कि काउंसिल द्वारा लोगों के हित में हमीरपुर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के सहयोग से काउंसिल ने हमीरपुर के अस्पताल में रोगियों के लिए भोजन, गद्दे आदि की व्यवस्था निशुल्क उपलब्ध करवाता है और दानियों के सहयोग से लोगों के हित के लिए आगे भी कार्य करती रहेगी। जो शीतल प्याऊ कूलर के रूप में यहाँ लगाया गया है, ये सीनियर सिटीजन काउंसिल हमीरपुर की तरफ से जो धर्मार्थ रोगी सेवा स्थान हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में एक विंग में भोजनालय का कार्य करता है, उनकी तरफ से लगाया गया है। ये जनता का पैसा है, जनता रोगी सेवा के लिए दे रही है। ये जलपान कराना भी सबसे बड़ा सेवा का महत्व है और नीचे भोजन भी दिया जा रहा है, नीचे गद्दे भी दिए जा रहे हैं, सिरहाने भी दिए जा रहे हैं, रोगियों को दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिसने आगे थाली कर दी, सबको भोजन दिया जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि तू कौन है, और भगवान की कृपा से और हमीरपुर के लोगों की कृपा से अपार धन की वर्षा हो रही है वहाँ पर। और हम ये चाहते हैं इस रोगी सेवा का विस्तार हो और सब प्रकार से जितनी जनता है यहाँ की वो सहयोग दे और दे रही है। हम सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिए अंत में यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, दया करना है दया निधान, हम सब हैं तेरी संतान। दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के मुख्य सलाहकार के खन्ना ने सीनियर सिटीजन काउंसिल का आभार व्यक्त किया और कहा कि काफी लंबे समय से चौक पर वाटर कूलर की मांग चल रही थी, जिसके पूरा होने से सबको लाभ मिलेगा। के सलाहकार की हैसियत से मैं के खन्ना सीनियर सिटीजन काउंसिल हमीरपुर का बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को माना और हमें वाटर कूलर की सहायता प्रदान की। इसकी रक्षण का और इसके साथ लगाने का जो आभार मैं करूँगा, वो तो राजेशपुरी जिसकी दुकान है उसने हमें इस बात की बड़ी सहायता प्रदान करी है और जगह प्रदान करी है। इसकी सिक्योरिटी, बिजली और पानी का खर्चा वे स्वयं इस पर करेंगे। मेरी नादौन चौक की जनता से अपील है कि अपनी प्रॉपर्टी समझ के इसका सिक्योरिटी और देखभाल भी ज़रूर करें। इस बात के लिए सीनियर सिटीजन काउंसिल हमीरपुर की मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इसके साथ हमारे जो अध्यक्ष श्री सुशील शर्मा जी हैं, जो आज यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने यहाँ आकर इसकी बहुत शोभा बढ़ाई है और हमारी मांग को भी स्वीकार किया है, और आगे भी हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हम मुझे उम्मीद है कि संगठन और काउंसिल दोनों हमारी मदद करते हैं। दुकानदार राजेश पुरी ने लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए वाटर कूलर के लिए सीनियर सिटीजन काउंसिल का धन्यवाद किया और कहा कि कूलर की देखरेख व बिजली का सारा खर्च वे स्वयं बहन करेंगे। इधर चौक में इस चीज की बहुत पिछले 5-7 सालों से डिमांड थी, जो कि सीनियर सिटीजन काउंसिल द्वारा
जरूरत हमारी जो जरूरत थी वो सीनियर सिटीजन काउंसिल हमारे जो अध्यक्ष हैं सीनियर सिटीजन काउंसिल के उन्होंने हमारी डिमांड को जो जरूरत थी स्वीकार किया है। हम इस कूलर की जो है पूरी देखभाल करेंगे।